बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन में कितने परमाणु होते हैं, हेक्सागन के बारे में आइए जानते हैं। हेक्सागन में नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले आप लोग दिख रहा है जी हाँ, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हेक्सागन, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हम सबसे पहले बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर आ रहा ठीक है आ जाएगा, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम, इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे और इसको मिलाया इससे, इतना आप कर लेंगे। सेम ऐसे ही आप नीचे कॉपी कर लेंगे। चलिए भैया मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, एक यहाँ पर एटम लगा लिए, एक यहाँ पर लगा लिए और एक यहाँ पर लगा दिए। हमने क्या किया कि भैया एक एटम यहाँ पर लगा लिया, एक एटम यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मिला लेंगे, बिल्कुल मिला लेंगे। इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे, बोलो सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा, इसको उठाया और इससे मिलाया, इसको उठाया और इससे मिलाया, इस एटम से देखना ध्यान से बच्चों एकदम, यहाँ पर एटम लगे हुए हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये यहाँ एटम चुपुक 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 लगे हुए हैं। अब देखो ये पीछे वाले एटम हैं तो इसको मिलाएंगे डैड डैड डैश करके, मैं यहाँ से मिला दे रहा हूँ ये वाली लाइन। ये पीछे वाला बैक एटम है तो मैं इसको यहाँ से मिलाना स्टार्ट कर रहा हूँ डैड 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 डैश, ये तो ये आपका बन गया प्यारा सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा हेक्सागोनल, षटकोणी हिंदी में बोलते हैं शायद आप लोग इसको, देख लीजिएगा हेक्सागोनल। ये बच्चों आपका हेक्सागोनल बन गया। अब चलते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ एटम, हेक्सागोनल में कुल कितने परमाणु होते हैं उस विषय में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे। आइए मेरे बच्चों ध्यान से देखते हैं। मान लो मैं इस एटम की चर्चा करना चाहता हूँ, मैंने छोटे छोटे एटम, क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे एटम लगाए हैं, आप परेशान नहीं होंगे, ये एटम बड़े बड़े होते हैं, क्यूट मैंने समझाने के लगा दिया है, एटम्स बड़े बड़े होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसको मैं कट करके अगर बाहर निकाल लूँ तो देखोगे आप लोग ऐसा ऐसा एक गोला था और यहाँ पर सेंटर था और बच्चों यहाँ से एक ऐसे आया हुआ था लाइन, एक और एक ऐसे आया हुआ था, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे आप इसको एनालाइज करेंगे प्यारे बच्चों, इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ है, आप देखेंगे कि ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, सॉरी क्यूब नहीं हेक्सागन है, हेक्सागन है, इसके अंदर जो एटम है, क्यों है बेटा एटम, एटम एटम हेक्सागन के अंदर कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/6, 1/6 पार्ट एटम का हेक्सागन के अंदर रहता है। सुनना ध्यान से बच्चों, ये तो हो गई कॉर्नर की बात। एक एटम हम यहां भी लगाते हैं, एक एटम यहां और एक एटम यहां, ये फेस पर एटम है, और तीन एटम मेरे मुन्ना लोगों हम लगा देते हैं बॉडी पर, तीन एटम लगा देते हैं बॉडी पर, चलिए अच्छी बात है। ये कंप्लीट रूप से आपका हेक्सागोन बन चुका है, हेक्सागोन बन चुका है, हेक्सागोनल। तो हमने देखा ये कॉर्नर वाले एटम है, कॉर्नर वाला एटम कितना पार्टिसिपेट करता है हेक्सागोन के अंदर, 1/6, ये इतना पार्टिसिपेट करता है, मैं लिख दे रहा हूं पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब देखो बच्चों ये जो एटम है ये कहाँ का एटम है, फेस का, फेस का। ये जो एटम है कहाँ के एटम है, बॉडी सेंटर के, बॉडी सेंटर के मतलब केंद्र के, बॉडी सेंटर मतलब केंद्र के एटम है। अब देखो ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का, कॉर्नर का, कॉर्नर का, कॉर्नर की काउंटिंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
कोने पर जो परमाणुओं की संख्या आई कितनी आई 12। और मेरे बच्चों बॉडी सेंटर पे जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है हेक्सागोन के अंदर पूरा का पूरा मतलब 1 माना जाएगा। फेस सेंटर पर जो होता है बच्चों फेस सेंटर वाला कंट्रीब्यूट करता है 1/2 हेक्सागोन के अंदर। कितना कंट्रीब्यूट करता है मेरे बच्चों 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 1/2। फिर से सुनिएगा ध्यान से, बॉडी सेंटर में जो एटम है पूरा का पूरा अंदर रहता है सेंटर में रहता है इसीलिए कहते हैं वो पूरा का पूरा हमारा हेक्सागोन के अंदर है तो 1 मानते हैं उसे बॉडी सेंटर वाले को। फेस सेंटर वाला आधा एक हेक्सागोन में रहता है आधा दूसरे में तो क्या कहते हैं 1 हेक्सागोन के अंदर 1/2 है। और कॉर्नर वाला बेटा हेक्सागोन के अंदर कितना रहता है 1/6 1/6। लेकिन अगर आप क्यूब में देखेंगे तो कॉर्नर वाला एटम होता है बच्चों 1/8, वो क्यूब के लिए है अलग है, ये मैं हेक्सागोन की स्पेशल बात बता रहा हूं मेरे बच्चों। अब अगर देखना हो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या देखना हो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें देखना हो तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कॉर्नर के देखो, कॉर्नर कितने हमने देखे 12, तो लिखेंगे एट कॉर्नर कोनवा पर, कोना कोने पर कितने एटम है 12, ये मैंने लिख रखे हैं 12। और कोने वाला जो एटम होता है कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/6, तो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = ये तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2। अब बच्चों हम बॉडी की बात करते हैं तो लिखेंगे एट बॉडी सेंटर। प्यारे बच्चों बॉडी पे कितने एटम है 3, बॉडी पे कितने एटम है 3। अब बॉडी के पूरे कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए हम इनमें बटे बटे नहीं लगाएंगे, पूरे के पूरे 3 एटम ले लेंगे। फेस पर देखते हैं एट फेस वाले देखते हैं प्यारे बच्चों फेस पर कितने एटम है हमारे पास 2, और फेस वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं मैंने लिख रखा है 1/2, तो बच्चों कट जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो टोटल आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब अगर देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अब यहाँ पर देख ले रहे हैं नीचे दिखेगा जी हाँ दिख तो रहा होगा टोटल नंबर ऑफ एटम, देखिए ध्यान से बच्चों दिख रहा है जी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुल एटम्स की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से, ध्यान न हटने पाए। अब समझो हमने क्या देखा कॉर्नर पर कोने पर कुल एटम कितने आ गए 2 आ गए प्लस लगा लिया यस सर जी सर। एट बॉडी सेंटर पे कितने एटम आ गए 3 आ गए 3 लगा लिया यस सर। एट फेस पर फलक पर कितना एटम आ गया 1 आ गया, मुन्ना लोगों जोड़ दो 2, 3, 5 और 1, 6 कितने एटम आ गए 6 आ गए, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यही लिख देता हूँ कितने एटम आ गए 6 एटम आ चुके हैं, कितने एटम 6 एटम, तो हम कहेंगे 6 एटम पाए जाते हैं हेक्सागोन के अंदर, ये हमें जानना था हमने प्रूफ कर लिया निकाल लिया ध्यान से देखा। और यहाँ मैंने आप सबको निकालना भी सिखाया करके भी दिखाया सारी चीज़ें मैंने बताई कि किसी भी हेक्सागोन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं तो कहेंगे 6। अगर आपको ये हरिओम सर का वीडियो समझ में आया हो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है हंडिया प्रयागराज में, अगर आप में से कोई बच्चा इच्छुक हो तो स्वागत है हरिओम बाबा के दरबार में। थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, स्वागत है।